ऐप यूज कर करके बोर हो गए हैं। So, क्या आप लोग भी अब एक अपना ऐप बनाना चाहते हैं? So, आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से एकदम फ्री में एक ऐप कैसे बना सकते हैं, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश कैसे कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले यहां पर जल्दी से साइन इन कर लेना है। जैसे आप वहां पर साइन इन करेंगे, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर पहले से काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप उनसे अपना ऐप बना सकते हैं। जिस टाइप का आपको ऐप बनाना है, आप उस टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी वेबसाइट को भी ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिसके आप देख सकते हैं, आप अपने YouTube चैनल का भी ऐप बना सकते हैं। और अगर आपको HTML कोडिंग आती है तो आप HTML कोड से भी एक ऐप बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको, चलिए ये पहला वाला जो ऑप्शन है उससे एक ऐप बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है। सो आपको URL डालने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पर 2 सेकंड के लिए एक लोडिंग होगी, उसके बाद जैसे लोडिंग आपकी फिनिश होती है, हमको इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सो अब यहाँ पर हम अपने ऐप को नाम देख सकते हैं। जैसे मैंने टेक गाइड पर नाम दिया है, आप अपना भी कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आइकन अपने आप से ऐप बना के दे देगा, पर आप चाहे तो कस्टम आइकन पे अपना खुद का भी आइकन अपलोड कर सकते हैं, पर मैं अभी डिफ़ॉल्ट ही ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, उसके बाद सिंपली क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 2 सेकंड के लिए लोडिंग होगी और आपका ऐप तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप तैयार हो चुका है। हम चाहे तो अपने ऐप को इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कैसे करना है। उसके लिए यहाँ जहाँ जैसे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड लिखा है, आपको इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर पब्लिश वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस ऐप को चाहे तो प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं, पर उसके लिए आपका एक प्ले स्टोर डेवलपर अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। पर आप चाहे तो इसको जैसे और चीज़ें हैं, जैसे प्ले स्टोर के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे अमेजोन ऐप स्टोर और भी काफ़ी सारे वो हैं जहाँ पर आप अपने ऐप्स को पब्लिश कर सकते हैं, आप वहाँ पर इनको फ्री में पब्लिश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में इतना सा भी मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे वाले बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, और साथ वाला बेल आइकन दबाना मत भूलना। अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं और अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट